एक उमर शरीफ है, उमर शरीफ साहब जो हैं वो इतने खतरनाक कॉमेडियन हैं, वो क्या बोलने वाले होते हैं उनको खुद को नहीं पता होता। पाकिस्तान के मरूफ कॉमेडियन और अदाकार उमर शरीफ आज कजाई इलाही से इंतकाल कर गए। उनके इंतकाल पर सदर ममलुकत, वजीर आजम, वज़राए आला, उनके साथी फनकारों, अदाकारों और सरहद पार से भी कई फनकारों ने अफसोस का इजहार किया। उमर शरीफ के इंतकाल पर भारतीय कॉमेडियन जोनी लीवर ने भी गहरे दुख का इजहार किया और कहा कि उमर शरीफ ने ड्रामों को नया दर्जा दिया। उमर शरीफ नंबर एक अदकार थे। जोनी लीवर अपना काम करता है, लेकिन उमर शरीफ का काम बिल्कुल अलग था। उनके जैसे लोग हजारों साल में पैदा होते। निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में बात करते हुए जोनी लीवर का कहना था कि 1990 में उमर शरीफ कोई फिल्म लिखने भारत आए थे, हम घंटों बैठकर बातें करते थे। उमर शरीफ बहुत हाजिर जवाब थे, उनका काम ही कुछ और था। वबा से 2 साल पहले हम अमेरिका में शो करना चाहते थे, मेरी 4 से 5 माह पहले भी उमर शरीफ से बात हुई थी। जोनी लीवर ने मजीद कहा कि हम सीखने की कोशिश करते थे कि वो बेसाख्ता जुमले कैसे कह जाते हैं। उमर शरीफ से पूछा तो बोले बस हो जाता। वाज़ह रहे कि उमर शरीफ न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत में भी बहुत मकबूल रहे। कबला जी भारतीय कॉमेडियन कपिल शर्मा ने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में लिखा, अलविदा लेजेंड, खुदा आपकी रूह को सुकून दे। वाज़ह रहे कि मरूफ अदकार और कॉमेडियन उमर शरीफ आज जर्मनी में इंतकाल कर गए। उमर शरीफ को इलाज के लिए अमरीका ले जाया जा रहा था, ताहम तबीयत खराब होने पर उमर शरीफ को जर्मनी के अस्पताल मुंतकिल किया गया था। अमरीका पहुँचने से कबल ही उमर शरीफ इस दुनिया से रुखसत हो गए। उमर शरीफ की अहलिया ने भी उनके इंतकाल की तस्दीक कर दी।